नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। आज 8 फरवरी 2022 का दिन है और हमने 7 फरवरी की जो मार्केट थी उसकी प्री ओपनिंग के एक एनालिसिस किया था। मार्केट ओपन होने के पहले उसमें हमने ये दिखाया था कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलेगा और फिर उस जो गिरावट है उसे वो जल्द ही रिकवर कर लेगा, क्योंकि उस समय बाकी पूरी दुनिया के सभी मार्केट जो थे वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। और ऐसा हुआ भी सही शुरू के आधे घंटे में, लेकिन अगर पूरा दिन की अगर हम कहानी देखें तो हमारा एनालिसिस यहाँ पर एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट बनी रही और लगभग बैंक निफ्टी 2% के साथ नीचे बंद हुआ। 2% की गिरावट के साथ निफ्टी में 1.25% की गिरावट रही और सेंसेक्स में भी 1.25% की गिरावट रही। इसके अलावा ये निफ्टी 50 का आप चार्ट देखिए, कंटिन्यूसली ग्राफ से ये दिखता है कि मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा और सभी जगह पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस था कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और DII और FII दोनों ही जो मेजर इंस्टीट्यूशंस रहे हैं उन्होंने आज सेलिंग किया, दोनों ही नेट सेलर रहे हैं। ये भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी बैंक का। इसमें भी अगर आप देखेंगे इस चार्ट में तो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बना रहा मार्केट में। जो कॉल बायर्स थे निफ्टी 50 के और निफ्टी बैंक के, दोनों को ही आज जमकर नुकसान हुआ होगा। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है HDFC बैंक में, आप देखिए सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जो है इसमें लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक में 3%, इंडसइंड बैंक में करीब 2.5%, ICICI बैंक में 2.25%। चारों बड़े प्राइवेट बैंक आज लाल निशान में रहे, इसी की वजह से बैंक निफ्टी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सभी प्राइवेट बैंकों ने एक तरीके से लैग किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये है विश्व के बाज़ारों का हाल। यहाँ पे आप देखिए अमेरिका का नासडेक, ब्रिटेन का FTSE, इसके बाद में फ्रांस का CAC, जर्मनी का डैक्स, जापान का निक्केई, स्ट्रेट टाइम्स, सिंगापुर का, हांगकांग का हैंगसेंग, ताइवान का ताइवान वेटेड, कोरिया का कोस्पी। मेजोरिटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो हरे निशान में है और इसी के एनालिसिस पर हमने प्री ओपनिंग को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन वो हमारा सही नहीं गया। इंडियन मार्केट आज लगातार गिरती रही, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात हो, चाहे निफ्टी की बात हो, चाहे सेंसेक्स की बात हो। शायद RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी इसकी एक वजह बन सकती है कि हायर इन्फ्लेशन से बचने के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है उसे शायद RBI बढ़ा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ ये रहा FII और DII का डेटा। 7 फरवरी के दिन FII ने नेट 1157 करोड़ के शेयर्स डिलीवरी में बेचे हैं और DII ने नेट 1376 करोड़ के शेयर्स डिलीवरी में सेल किए, यानी कि दोनों ने मिलकर आज नेट लगभग 2500 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं। ऐसे जनरली होता नहीं है कि FII और DII दोनों ही नेट सेलर हो, वो भी अच्छे खासे क्वांटिटी में उन्होंने शेयर सेल किए हैं आज। इसके बाद अभी लाइव देखिए डाउ जोन्स जो है वो 0.38% ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपना S&P 500 अमेरिका का 0.08% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नासडेक लगभग फ्लैट है, 0.05% नेगेटिव में है। और ये हाँ, ये ICICI बैंक के ADR, HDFC बैंक के ADR, इन्फोसिस के ADR, ये ADR क्या होता है कि इंडियन कंपनी के कुछ शेयर है जो कि अमेरिका में ट्रेड कर, अमेरिका के जो नेशनल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर ट्रेड होता है इन शेयर्स में, तो वहाँ पर भी ये शेयर ट्रेड करते हैं। अगर आप वहाँ पर देखेंगे जैसे ICICI बैंक में लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है, जबकि हमारे यहाँ पर 2.5% की गिरावट थी। HDFC बैंक में हमारे यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की गिरावट थी, जबकि अमेरिका में 1.5% नीचे हैं। यानी कि शायद संभावना हो सकती है कि कल HDFC बैंक और ICICI बैंक में रिकवरी देखने को मिले और बैंक निफ्टी शायद एक पॉजिटिव ओपनिंग दे कल। इसके बाद ये चार्ट देखिए, निफ्टी का जो फ्यूचर है वो लगभग 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारा जो निफ्टी 50 है वो 0.2% नीचे बंद हुआ था। तो शायद हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले सुबह 9:15 बजे
तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिले, हमारी ऐसी आशा है।